सर, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। होमवर्क सर गुड आफ्टरनून। होमवर्क किया? यस यस सर, यस सर। क्या तो होमवर्क सर, 3 क्वेश्चंस थे। और बुकलेट बुकलेट नहीं दी तुम्हें सर? सर कर ली बुकलेट, हो गई सर, बुकलेट दी थी ना मैंने। हाँ सर, बुकलेट दिया था। वन बी वन सी का। ओके ओके, तो आज और दूंगा, बट आई होप यू आर डूइंग दैट ना, और एमपीएस भी प्रॉपरली फॉलो हो रही है, राइट? यस सर। चलो अब होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले एचपी कर रहे थे हम। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या नोट्स डिलीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन था वो एम प्लस एन एथ टर्म, राइट एवरीवन? यस सर। आई एम श्योर एवरीवन। यस सर, यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन था कि एबीसीडी अगर एचपी में दे रखा है। हाँ सर, तो वो प्रूव करने बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय ए एन एन ए पी। ये भी किसी को डाउट है? नो सर। थर्ड क्वेश्चन सर, ये एमपीएस का सर 1/16 ए बी एंड 1/6 द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1/16 ए बी 1/6 आर इन जीपी एंड लास्ट थ्री आर इन एचपी, देन फाइंड ए एंड बी। हो गया ए बी? यस सर। दो सेट आंसर आने चाहिए, आए दो सेट। हाँ सर, यस सर। एक अगर ए माइनस 1/4 है, वन, तो बी की वैल्यू वन, वन, वन। ए अगर 1/12 है, वन बाय नाइन, वन बाय नाइन, बाय नाइन। किसी को डाउट है इसमें? नो सर, नो सर। लास्ट टाइम, नो सर। गुड गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ ए बी सी आर एन जी पी एंड ए माइनस बी कॉमा सी माइनस ए कॉमा बी माइनस सी आर एन एच पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 4 बी प्लस। Try this. Come on, I hope you are starting with A A R A R square. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Karo, karo, karo. Continue.
क्या बात है, गुड। जय करेक्ट, धूविल करेक्ट, संकल्प करेक्ट, खुशी करेक्ट, जीवांश करेक्ट, साहिल करेक्ट। साहिल करेक्ट, मैका करेक्ट, जुवान करेक्ट, दीपक करेक्ट, शिवांश करेक्ट, लास्ट 10 सेकंड्स, नचिकेत करेक्ट, निशित करेक्ट, साम्या करेक्ट, दिव्यांश। चलो बस, बहुत टाइम हो गया बच्चों, सी ऑन द स्क्रीन। सो ए बी सी जी पी में सबसे बेस्ट यही लग रहा है कि ए को मिनिमम वेरिएबल ए और आर के टर्म्स में, करेक्ट? यस सर। पी है तो क्या रिलेशन यूज करूं, ट्वाइस ऑफ द रेसिप्रोकल 2 बाय बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी, सही लिखा है ना? यस सर। यस सर। आई कुड हैव यूज्ड दैट आल्सो, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, या बी क्या होता है, बी इक्वल टू बी बेटर लग रहा है क्योंकि सब सेपरेट है आराम से, है ना? यस सर। तो सी को ए आर स्क्वायर रखूंगा तो ए कॉमन, आर स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे बी को ए आर रखूंगा तो ए कॉमन, यहाँ पे बी को ए आर और सी को ए आर स्क्वायर रखूंगा तो क्या कॉमन है, ए आर वन माइनस आर। ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या हो जाएगा, ए तो जीरो नहीं सकता, काट दिया। हाँ, सो टू अपॉन आर प्लस वन, R माइनस वन इज यहाँ पे एलसीएम ले लिया, R इंटू वन माइनस R, R प्लस वन, सही है बच्चों? Yes. R माइनस वन से वन माइनस R कैंसिल हो गया, बट विद माइनस नेगेटिव साइन, सो माइनस टू इज R प्लस वन का होल स्क्वायर और ये R को इधर ले आया, ठीक है ना? Yes sir. माइनस टू R इज R स्क्वायर प्लस टू R प्लस वन, सो हमारे पास इक्वेशन आ गई R में, आर स्क्वायर प्लस फोर आर प्लस वन इक्वल टू जीरो। जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो क्यों करेंगे, करेक्ट ना? हाँ सर। सो वी नीड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ए प्लस फोर बी प्लस सी, कौन है वो एक बार देखें तो सही, ए प्लस फोर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए कॉमन लूंगा तो चमक जाना चाहिए। यस सर। यस सर। दिख गया? यस सर। तो फाइनल आंसर कितना है, जीरो। कॉपी कर लो फटाफट। ओके, 5 सेकंड्स और, जल्दी कॉपी करो। हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलो, डू दिस बुकलेट का ही क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट ट्राई करो। Come on.
हो रहा है बच्चों कुछ तो क्वेश्चन है ओनली थिंग इज तुम्हारे तुम्हें क्या यूज करना है 2 बाय बी इज इक्वल्स टू 1 by a plus 1 by c. अब जैसे मल्टीपल करेक्ट के लिए फाइट मार रहे हो ऑप्शन ए के लिए तो सबको पता है कि हमें किस टर्म को हटाना है ऑप्शन ए में ए को हटाना है तो यार करो फिर ये जल्दी से कम ऑन बिल्कुल सिंसियरली करो कोई मिस्टेक नहीं चाहिए आफ्टर 1 or 2 minutes मैं फाइनल आंसर पूछूंगा तब तक सबको मेहनत करना है चेक करना है इट्स लाइक जेई में क्वेश्चन आया है बस गलती नहीं चाहिए डिस्कस करें हम वन मिनट चलो 1 मिनट और फिर मैं आंसर सबके वेरीफाई कर रहा हूँ ना जिसको भी चेक करना कर लो उसके बाद ही देखेंगे अपन वन सामिया निषेध जाए चेक कर लो Sorry. Sorry. चलो अब देखें सर सबमिट सबका ही सही आ गया क्या बात है अब तो काफी टाइम देने के बाद सबका सही आ गया कुट 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 दिव्यांश चेक करो अनय चेक करो विवान चेक करो प्रणय चेक करो बाकी सबका सही है अभी तक जिन्होंने लेटेस्ट लिखा है सॉरी चलो अब डिस्कशन चालू कर रहा हूँ मैं देख लो मेरे साथ 2 बाय बी इज 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी तो ई में चालू कर रहे हैं और मैं सबसे पहले 1 बाय ए को हटा रहा हूँ ऑप्शन ए और डी की फाइट के लिए करेक्ट ना यस
यस सर की वैल्यू रख दी मैंने, देख लो ध्यान से. माइनस वन बाय बी, सिंप्लीफाई करा, वन बट वन बाय सी प्लस वन बाय सी हो गया टू बाय सी माइनस वन बाय बी. यहाँ पे क्या हो गया, वन बाय सी चला गया वन बाय बी, तो आंसर आ गया टू बाय बी सी माइनस वन बाय बी स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी गलत है. बताओ यहाँ तक क्लियर? ऑप्शन बी, जैसे मैं अब एक और करूंगा, बस एक ही ऑप्शन और कोई करूंगा, दूसरा तुम चेक करोगे. फाइनल आंसर तो ए बी सी है, सबको पता लग गया है वो. तो कौन सा बताऊं एक और ऑप्शन के लिए? बी सर, बी बता दो. बी बता दो सर. ओके, फॉर ऑप्शन बी किसको हटाना है हमें? वन बाय बी को हटाना है एवरीवन. हाँ सर. यस सर. तो वन बाय बी को क्या रखूंगा मैं? वन बाय ए प्लस वन बाय सी बाय टू. सही है, बाय टू. यस सर. यस, वन बाय बी इज वन बाय ए प्लस वन बाय सी बाय टू प्लस वन बाय सी माइनस वन बाय ए इंटू वन बाय सी प्लस वन बाय ए माइनस वन बाय ए प्लस वन बाय सी बाय टू. अब सारे टर्म्स को वापस कलेक्ट करते हैं. देखो वन बाय सी वाला टर्म पहले देख लो. वन बाय सी कॉमन, वन बाय टू प्लस वन, थ्री बाय टू इंटू वन बाय सी. आई होप समझ में आता है वो. यस सर. वन बाय सी कॉमन, वन बाय टू प्लस वन है ना एवरीवन? यस यस सर. हाँ है ना बच्चों? वापस वन बाय ए कॉमन क्या है? हाफ माइनस वन, मतलब माइनस हाफ, माइनस वन बाय टू इंटू वन बाय ए. एवरी वन कम्फर्टेबल? यस सर. ओके, ये तो एक्स माइनस एक्स बाय टू, एग्री करूं? एक्स माइनस एक्स बाय टू कितना होता है? एक्स बाय टू. एक्स बाय टू करेक्ट. तो ये टू, ये टू और ये टू कॉमन ले लो, वन बाय फोर. क्या बचा है? थ्री बाय सी माइनस वन बाय ए इंटू वन बाय ए प्लस वन बाय सी. वन बाय फोर ओपन कर रहा हूँ, थ्री बाय ए सी प्लस थ्री बाय सी स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर माइनस वन बाय ए सी. थ्री बाय ए सी माइनस वन बाय ए सी टू बाय ए सी प्लस थ्री बाय सी स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर. इज दैट ऑप्शन बी? यस सर. थ्री बाय सी, यस सर. टू बाय सी ए, यस. फाइनल आंसर है ए बी सी. सुन लिया? फाइव सेकेंड्स, टेन सेकेंड्स टू कॉपी एनीथिंग, जल्दी से. बच्चों एचपी तुमने भी प्रैक्टिस शीट से की है अभी तक, तो आई होप समझ में आ गया कि कुछ नया नहीं है, बस एपी के कॉपी करना है, करेक्ट ना? यस सर. क्या ना, मूव फॉरवर्ड सबका हो गया है तो? यस सर. यस सर. चलो ओके, लेट्स सी. तो अभी तक एपी जीपी एचपी हो गया, करेक्ट एवरीवन? यस सर. एएम जीएम एचएम समझ रहे हैं? एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, पहले क्या ये क्या है वो समझ रहे हैं. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, yes, sir. Heading डालो पहले तो. arithmetic mean, arithmetic mean, AM. arithmetic mean. Okay. यहाँ पे attention कर रहे हो? Yes sir. Yes sir. आप लिखना बंद करो. सुन लो, एरिथमेटिक मीन में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, आराम से समझेंगे क्योंकि पहला आई है. फिर सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम थ्योरी जीएम के लिए करेंगे, डिट्टो सेम थ्योरी एचएम के लिए करेंगे. तो अगर एएम को अच्छी तरह समझोगे तो वो बहुत इजी लगेगा. और चल अब ध्यान से, एएम एरिथमेटिक मीन इज सिंपल व्हाट? एवरेज. इसको डिफाइंड ही ऐसे किया हुआ है, इट इज जस्ट व्हाट? एरिथमेटिक मतलब सम का एवरेज इज कॉल्ड एज व्हाट? एरिथमेटिक. तो अगर मैं एवरेज ऑफ दो नंबर्स की बात करूंगा तो उनका एरिथमेटिक मीन क्या हो गया? a plus b by 2. अगर मैं तीन नंबर्स की बात करूंगा तो उनका भी एरिथमेटिक मीन को क्या बोलेंगे हम? a plus b plus b by 3. यहां तक क्लियर? यस सर. सो हमने इस डेफिनेशन को यूज कर लिया. अब
अरिथमेटिक मीन की और एपी के एपी से भी रिलेट कर दिया. क्या रिलेट कर दिया? अच्छा ये ए प्लस बी बाय टू, ये तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है. टू देखो, टू ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, आया ना? यस सर. यस सर. तो मतलब अच्छा ए और बी का अरिथमेटिक मीन को अगर ए एम से डिनोट कर रहे हैं तो हमें पता है कि ए एम होता है ए प्लस बी बाय टू. तो वी कैन से अच्छा इसको फर्दर बोल सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ अरिथमेटिक मीन इज ए प्लस बी, मतलब ट्वाइस ऑफ सम टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू टर्म्स, मतलब एपी हो गई. कम ऑन, कौन एपी हो गई सर? एम और बी. हाँ ना बच्चों? यस सर. यस सर. ए कॉमा अरिथमेटिक मीन कॉमा बी क्या हो गया? एपी हो गया. एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं टू और सिक्स तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा एवरीवन? टू प्लस सिक्स बाय टू. तो देखो दिख ही रहा है टू फोर सिक्स एपी में होगी. हाँ ना? यस सर. सो ये फंडे को अब यूज करते हैं टू इंसर्ट मोर अरिथमेटिक मीन. सो कैन आई से लाइक दैट कि आई हैव इंसर्टेड हियर सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी? यस बोल सकता हूँ. क्या सर? मतलब इंसर्ट अरिथमेटिक मीन मत करना, मतलब कि तुम्हें एपी बना दी. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. वी हैव इंसर्टेड सिंगल अरिथमेटिक मीन. सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा मतलब ए और बी के बीच में एक नंबर डाला ताकि वो तीनों किस में हो गए? एपी में. एपी में. सो इफ आई आस्क यू टू इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी और उन टू अरिथमेटिक मीन्स को मैं ए वन और ए टू बोलूं, इसका मतलब उनकी वैल्यू बाद में बात करेंगे. तो मैं समझ में आना चाहिए इंसर्ट मतलब वो चारों मिला के क्या हो जाना चाहिए? A1? AP. 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 यहाँ तक क्लियर? यस सर. यस सर. तो एपी कैसी होनी चाहिए? ए कॉमा ए टू कॉमा बी एपी हो जाना चाहिए. आर यू ऑल ऑफ यू विद मी? यस सर. अब मुझे क्या करना है? ए वन ए टू की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में? ए और बी. ए और बी. के लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? कम ऑन, कॉमन डिफरेंस. यस सर. मुझे क्या क्या गिवन है? ए भी गिवन है और बी गिवन है, करेक्ट एवरीवन? यस सर. बी कौन सा टर्म हो गया एपी का? थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म? फोर्थ टर्म. टर्म अगर दो अरिथमेटिक मीन डाले हैं तो ये दो, ये तीसरा और ये चौथा. सो देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी डी. यस सर. तो डी की वैल्यू आ गई. अगर डी की वैल्यू आ गई तो सारे अरिथमेटिक मीन भी आ ही जाएंगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर मुझे ए वन निकालना है तो क्या आंसर हो जाएगा? ए प्लस डी आ जाएगा आंसर, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मुझे ए टू निकालना है तो वो भी आंसर आ जाएगा. हाँ ना? Plus 2D. Yes, sir. एक एग्जांपल करते हैं. लेट्स से इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन व्हाट? टू एंड सिक्स. तो मैंने क्या बोला? सोचना ही नहीं है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एपी लिखना. सबने सुना? यस सर. यस सर. यस सर. जैसे मैं स्टेप्स याद करा रहा हूँ यस आई कैन से, वैसे ही एक बार स्टेप्स लिखो. तो बताओ एपी क्या लिखूं? टू कॉमा सिक्स, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बी कॉमन डिफरेंस निकालो. कॉमन डिफरेंस. तो सिक्स इज इक्वल टू टू प्लस कितना? थ्री डी एवरीवन? यस सर. या फोर बाय थ्री, राइट? यस सर. यस सर. थोड़े नंबर अच्छे लूंगे, 2 4 2 एंड 8 ले लूं चलेगा? हां सर. हां सर. 2 एंड 8 ले लेता हूं तो 8 हो गया. तो 6/3 कितना हो गया? 2 हो गया एवरीवन? 2. यस सर. यस सर. a1 की वैल्यू 2 + d दैट इज 4, a2 की वैल्यू 2 + 2d दैट इज 6. तो बताओ बिल्कुल सही आया क्या? 2 4 6 8. यस सर. यस सर. हैव वी इंसर्टेड टू अरिथमेटिक मींस बिटवीन 2 एंड 8? यस सर. यहां तो कॉपी करो. बट अरिथमेटिक मीन अगर सिर्फ बोलूं तो उसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिक सिंगल अरिथमेटिक मीन. इज दैट क्लियर ना? यस सर.
Done? Yes, sir. Two, one. 30 seconds. One, sir. Done, sir. अब तो हो गया सबका. Done, sir. चलो इधर देखो, अगर मैं इंसर्ट जनरल सेंस में बोलूं कि n अरिथमेटिक मीन्स डालने a1 a2 और कहां तक an तक बिटवीन a एंड b, तो प्रोसेस रिमेन सेम ना एवरीवन? यस सर. अच्छा, बिफोर आई गो इनटू दिस फोर्थ पॉइंट, एक चीज बोलना था मुझे कि 2 4 6 सॉरी 2 और 8 के बीच में तुमने दो अरिथमेटिक मीन डाले, हां है ना? यस सर. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 8, तो इसका आंसर 2 plus 8 by 2 5 है. यस 2 5 8, देखो दिख रहा है ना सिंगल अरिथमेटिक मीन? यस यस. होप क्या बताना चाहता हूँ समझ गए कि सिंगल अरिथमेटिक मीन वाला फिगर इस वाले में सीक्वेंस में हो सकता हो भी नहीं, हाँ है ना? क्लियर? हाँ सर. क्योंकि अरिथमेटिक मीन को जब सिंगल वाले अरिथमेटिक मीन, तो वो डिफाइंड हम कैसे करते हैं? वो तो सिंपल एवरेज है. इज दैट क्लियर? यस सर. जैसे मान लो कि विराट कोहली ने रन बनाए 5 10 15, ओके 20 30, 5 10 16 लिख दिए, तो अब इनका एवरेज कितना हो गया? 5 + 10 + 16/3 31 by 3, तो 10.33 रन बनाया उसने. अब कोई इसने ये एग्जैक्ट रन थोड़ा बनाया कभी, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर. तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि ये रन उसकी सीक्वेंस में हो, समझ में आया? हाँ सर. यस सर. तो जस्ट एवरेज फिगर है, तो दैट मे नॉट बी इन द सीक्वेंस. एम आई क्लियर इनफ? यस सर. यस सर. यस सर. चलो फोर्थ पॉइंट पे वापस आ जाते हैं. इंसर्ट एन अरिथमेटिक मींस बिटवीन ए एंड बी. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ, कम ऑन. AP. वेरी गुड. A कॉमा A वन कॉमा A टू कॉमा A एन कॉमा B आर एन AP. सेकंड स्टेप क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. उसके लिए सोच के बताना कि B कौन सा टर्म है, N प्लस टू एथ, N प्लस वन या Nth टर्म क्या है? Nth टर्म. N प्लस टू एथ. N प्लस वन. N प्लस वन सर. ओके. पूरा बैच ही गलत है. एन प्लस टू एथ टर्म है, काउंट करना नहीं आता, तो आंखें खोल के काउंट करो. ये जो मैंने सर्कल किया कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स. ये एन प्लस वन हो गया, तो ये एन प्लस टू एथ हो गया ना? यस. थोड़ा सा आंखें खोला करो यार. सो एन प्लस टू एथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन प्लस वन डी. डी आ जाएगा यहाँ से, हाँ है ना? यस सर. तो अगर मैं ए वन की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी. करेक्ट बच्चों? यस सर. यस सर. ए टू की वैल्यू पूछूं तो ए प्लस टू डी. ए सेवन की वैल्यू पूछूं तो ए प्लस सिक्स डी या ए प्लस सेवन डी? सेवन डी. प्लस सेवन डी. समझ में आ रहा है मैंने क्यों बता रहा हूं तुम्हें? यस सर. यस सर. क्योंकि तुम्हारी आदत होती है एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला, सेवन टर्म इज ए प्लस सिक्स डी. But please understand, A7 is actually not the 7th term. A7 is actually the 8th term. 8th term. But अभी ये questions करोगे और A 100 आएगा, तो yes, तुम फटाफट उसको A plus 100D लिख देना, क्योंकि A1 is not the first term. उससे पहले भी एक term है. Is that clear? Yes. Yes, sir. तो ये ध्यान में रखने के लिए ही बताया था, but copy नहीं करना है. समझ में आ गया ये वाला part? Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पे, प्रॉपर्टी रिजल्ट जो भी लिखना हो लिख दो. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यू राइट इट डाउन, फिर प्रूव करते हैं.
Copied. Yes, sir. Okay, क्या स्टेटमेंट है देखो अब उसको इक्वेशन वाइज लिखते हैं एवरीवन. सम ऑफ ऑल एन अरिथमेटिक मींस. एन अरिथमेटिक मींस को ए वन ए टू से डिनोट करते हो ना. Yes, sir. उसका सम का सम मतलब मैं ए वन प्लस ए प्लस अप टू ए एन की बात कर रहा हूँ. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. वो क्या बोल रहा है दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन. और सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है ए और बी का एवरीवन. ए प्लस बी बाय टू. ये प्रॉपर्टी है जो हमें पहले एग्जांपल से देखनी है एंड देन प्रूव भी करनी. चलो बताना एक बार. टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व. तो कैन आई से टू और ट्वेल्व के बीच में मैंने चार अरिथमेटिक मीन डाले एवरीवन. जल्दी से एग्री करो. हाँ है ना. यस सर. तो मैन्युअली पहले तो इन सब का सम बता दो. मैन्युअली इन चार का सम 28 10 18 28. और हमारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इन चारों का सम इज 4 टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन. एग्री करो ऑल ऑफ यू. यस सर. 4 × 14/2 बिल्कुल सही आया क्या. यस सर. यस सर. तो प्रॉपर्टी तो काम की है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में जब हमें हर की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर. यस सर. यस सर. बट ये आया कहाँ से ये प्रूव कैसे करें. सबसे पहले अगर एन अरिथमेटिक मींस की बात करें तो एपी लिख दूं. यस सर. यस सर. एपी कौन सी होगी. ए कॉमा आगे बोलो. अब मुझे प्रूव करना है ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन. एक मेथड तो है कि मैं सबकी वैल्यूज निकालूं ए वन ए टू ए थ्री ए एन की. हाँ है ना. यस सर. और दूसरा मेथड क्या है. कम ऑन. ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए एन निकालना है. लेट्स से उसके आंसर को ए एक्स बोल देते हैं. बोल सकता हूँ. यस सर. और इस पूरी सीरीज को रिवर्स पे लिख दिया मैंने. वो भी एक्स ही है ना. यस सर. यस सर. ऐड कर दिया. यस सर. कौन सी प्रॉपर्टी. इक्विडिस्टेंस. ये ए वन प्लस ए एन है तो ये भी ए प्लस ए एन ही है ना एवरीवन. यस सर. यस सर. लॉज ऑफ इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी याद करो एवरीवन. यस सर. सो कितना ए वन प्लस ए एन कितनी बार बन गया बताओ. तो बताओ प्रूव हो गया क्या कि n by 2 into a plus b everyone? Yes, sir. कॉपी करो जल्दी से. इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी.
Sir, can you please scroll down? Mm-hmm. हो गया कॉपी सब पे? यस सर। यस सर। एग्जांपल भी फटाफट कॉपी करो। डन सर। Mm-hmm. Just a second. Chalo. I hope ho gaya sabka. Next heading dalo. Same cheez geometric mean ke liye karte hain, fir teeno ke question ek saath discuss karenge. All of you okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्योमेट्रिक मीन सबकी थ्योरी अब बहुत स्मूथली होगी क्योंकि बिल्कुल डिट्टो सेम चीजें पढ़नी ज्योमेट्रिक मीन जीएम तो इसकी डेफिनेशन तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज एवरेज होगा बट वो सब छोड़ो अपन एपी जीपी के थ्रू लिंक करते हैं जैसे एएम की डेफिनेशन तो कैसे आती है ए प्लस बी बाय टू एवरेज के हिसाब से हाँ है ना हाँ है ना बच्चों एसएनएस की डेफिनेशन क्या देख ली कि अगर ए एम एरिथमेटिक मीन है ए और बी का सो दीज विल बी इन एपी और फिर मैं टू ए बी टू ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म यूज कर सकता हूं जिससे मैंने ये फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया कैन आई से लाइक दैट आल्सो एवरीवन यस सर तो वैसे ही अब बताओ मुझे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी लेट्स से उसको जी एम बोलते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कमॉन क्या लिखूंगा मैं कमॉन ए जी एम जीपी लिखूंगा जीपी कौन है ए कॉमा जी एम कॉमा बी अगर तीन टर्म्स जीपी में होते हैं तो जीएम स्क्वायर कितना हो जाता है एवरीवन ए बी तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस होता है बच्चों बट ये तो मैं तुम्हें आई होप तुम समझते हो ये डेफिनेशन नहीं है डेफिनेशन तो मैं तुम्हें लिंक करा रहा हूँ आया ना देयरफॉर हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को क्या लेते हैं रूट ए भी लेते हैं Is that clear? Plus one. सबको clear? Yes sir. Yes sir. तो मतलब अगर two और eight है, दो numbers, तो उनका single geometric mean कितना हो जाएगा? Root AB. कितना हो गया? Four. Four. तो देखो two four eight GP में आई गए. आया ना everyone? Yes sir. Yes. Yes. आगे बढ़ते जाओ मेरे साथ अब question बात करते जाओ चलो. Let's insert two geometric means. लेट से उनको जी वन और जी टू बोल दिया फर्स्ट स्टेप बोलो जल्दी से कमॉन मैं नहीं बोलूंगा जीपी क्या है ए कॉमा जी वन नाउ अब डायरेक्टली ऊपर वाला टाइप का रिजल्ट तो यूज नहीं कर सकते ना ऐसा यस तो अब एपी में कॉमन डिफरेंस निकालते थे यहाँ पे क्या निकालेंगे कॉमन रेशियो उसके लिए बी कौन सा टर्म है थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सोच के बोलना So, B का क्या फॉर्मूला हो गया ए आर क्यूब आर की वैल्यू आ गई एवरीवन यस अब मुझसे कोई भी पूछा होगा निकाल लूंगा ना जी वन की वैल्यू ए आर जी टू की वैल्यू ए आर स्क्वायर आया ना yes, sir. किसी क्वेश्चन में जी सेवन निकाल रहा हूँ तो ए आर सिक्स होगा या ए आर सेवन होगा याद आ गई वापस सेम चीजें एवरीवन कॉपी करो यहाँ तक तो एज यू कैन सी बिल्कुल सेम चीजें इसलिए एक साथ कर रहे हैं
Sir, can you please scroll down? हो गया बच्चों? यस सर। हाँ डन सर, सबका हो गया अब तो? यस सर। यस ओके okay, आगे बढ़ते हैं। इनफ टाइम टू कॉपी। नेक्स्ट क्या करेंगे जल्दी गेस करो। एएमजीएम हार्मोनिक पिन एचएफ। आ जाओ मेरे साथ फर्स्ट पॉइंट। एचएम की भी डेफिनेशन अलग है, हम एसएनएस के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो हम कैसे पढ़ेंगे? इफ द सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय एच एम, देन हमारे लिए एच पी कौन सी हो जाएगी एवरीवन? ए कॉमा एच एम कॉमा बी। तो तुम सबको पता है तीन टर्म्स एच पी में होते हैं, तो बीच वाले का क्या रिजल्ट होता है? कोई भी बताओ। टू बाय एच ए बी पर ए प्लस बी। याद आ गया एवरीवन? यस। So, अगर कोई आपसे पूछे सिंगल हार्मोनिक मीन की तो क्या आंसर होगा एवरीवन? 2ab upon a plus b। मुझे वापस याद करा दो, सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है वैसे? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है एवरीवन? रूट ओवर ऑफ a। दिस इज सिंगल हार्मोनिक मीन। अच्छा प्रॉपर्टी रह गई, बट कोई बात नहीं। लेट्स से इंसर्ट अगर टू हार्मोनिक मीन्स करने, सो hp क्या हो जाएगी बोलो फटाफट? a कॉमा HP तो कुछ होती नहीं है हमें, तो हमेशा HP को किसमें कन्वर्ट करना होता है? क्या लिखूं? अब बताओ अब क्या निकालूंगा? कॉमन डिफरेंस ही निकालूंगा AP का एवरीवन। यस सर। तो 1/b कौन सा टर्म है? 1/b will be 1/a plus 3d की वैल्यू देख लोगे तो एच टू निकल जाएगा। क्लियर? यस सर। ये कॉपी बाद में करोगे क्योंकि एरिथमेटिक मीन के बाद तो उसकी प्रॉपर्टी भी लिखी थी ना हमने ऐसे? यस सर। तो अभी जीएम तुमने कॉपी किया तो जीएम की प्रॉपर्टी भी कर ले, वो रह गई एक बार। यस सर। तो स्टार्ट राइटिंग प्रॉपर्टी, फिर उसको समझा दूंगा, पहले लिखना चालू करो। वहां पे सम था, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा? वहाँ पे सम क्यों था? क्योंकि इक्विडिस्टेंट सम में होता है वहाँ पे। हाँ है ना? यस सर। और जीपी में इक्विडिस्टेंट कैसा होता है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट में। द
डन एवरीवन यस सर यस सर तो इसका प्रूफ मुझे बताओ पहले सर जी पीली प्रूफ a कॉमा जी वन कॉमा जी टू कॉमा जी एन माइनस वन कॉमा जी एन कॉमा बी आर एन जी पी आया ना यस सर यस लेट्स से जी वन इनटू जी टू अप टू जी एन इसका आंसर x है तो उसको रिवर्स में लिख दूं दोनों को ऐड करूं या सर मल्टीप्लाई करूं मल्टीप्लाई x स्क्वायर ये g1 gn है और अभी जो मैंने सेकंड सर्कल किया क्या ये भी g1 gn ही है क्या एवरीवन यस बिकॉज़ ऑफ व्हिच प्रॉपर्टी इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी तो अगर मैं पूछो 2 into 2 into 2 10 टाइम्स क्या आंसर होता है बच्चों इसका तो यहाँ पे भी जीवन जी एन बार बार वही बन रहा है ना एवरीवन यस सर एन टाइम्स बन रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा जीवन जी एन रेस टू पावर एन हो जाएगा एवरीवन यस सर हाँ सर एंड जीवन जी एन इस फर्दर सेम है बोलो ए बी रेस टू पावर एन इज एक्स स्क्वायर सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ए बी रेस टू पावर एन क्लियर यस सर बिल्कुल क्लियर यस सर यस सर प्रूफ लिखना है तो लिख दो अदरवाइज जस्ट गो थ्रू इट आगे बढ़ूं एवरीवन यस यस सर ओके उसके बाद ये हार्मोनिक मेन भी कॉपी कर लो चलो
हो गया कॉपी? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी भी प्रॉपर्टी होगी होगी, कौन गैस करके आप बता सकते हैं? दो प्रॉपर्टी मैंने बता दी, और ये भी बोल देता हूँ एचपी की कोई खुद की तो कुछ प्रॉपर्टी होती नहीं है। एनी आइडिया, एनी गैसेस? यस यही है कि ए कॉमा एच वन कॉमा एच टू कॉमा एच एन कॉमा बी आर एन एच पी, इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। एनीबडी नाम बोल के कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड सिद्धांत, बोल। तो इसके रेसिप्रोकल्स क्या होगा? एपी में हो गए बच्चों? Yes, sir. मैंने भी बोला कि ये इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, सब एपी की प्रॉपर्टी कॉपी करता है। तो चलो एपी के आ गए, तो एपी की प्रॉपर्टी तो है ना कि सम ऑफ ये सब अरिथमेटिक मींस हो गए, एग्री करो आप एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Between which numbers? A or B या 1/A और 1/B? 1/A. क्या प्रॉपर्टी होती है? सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मींस is n times the single arithmetic mean, यही होता है ना everyone? Yes, sir. ये क्या हो गया देखना, n times, LCM ले रहा हूं, a plus b by 2ab. कुछ होता है क्या 2ab upon a plus b? 1 by hm होता है, सिंगल हार्मोनिक मीन होता है, agree करो all of you? Yes, sir. Property, क्या है property? Sum of harmonic means or sum of reciprocals of harmonic means? Bolo. Sum of reciprocal of harmonic means. Is what? Is what? Number of terms by harmonic, is by, no. Number of terms by single harmonic. Is n times the reciprocal of everyone? Single harmonic. Mm-hmm. Harmonic means. Copy kar lo. यस सबका हो गया कॉपी? ओके, जैसे ही तुम्हारा कॉपी हो जाए तीनों रिवाइज करो, ए एम जी एम एच एन, एज सून एज यू कॉपी रिवाइज इट। हो गया रिवाइजन? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। यस। चलो बताओ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है दो नंबर्स का? ए बी का रूट ए बी। रूट ए बी।
ओके सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है दो नंबर्स का a plus b by 2 तो सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ तीन नंबर्स क्या होता है एबीसी का a plus b plus c plus d plus 3 सिंगल अरिथमेटिक मीन और इंसर्टिंग तीन अरिथमेटिक मीन वो थोड़ी अलग-अलग चीजें हैं आई होप यू नो दैट राइट एवरीवन यस सर बता दिया था हो सकता है सिंगल अरिथमेटिक मीन उस सीक्वेंस में हो भी नहीं याद आया सबको Yes, sir. देख लो देखो सिंगल अरिथमेटिक मीन 5 वो इसमें है भी नहीं याद आया चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट पहले का तो आई एम श्योर सबका आ गया होगा कि सात अरिथमेटिक मीन निकाल तो नहीं रहे हो ना यस सर आंसर होता है 7 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिल्कुल सही 70 और सेकंड और जब आ जाए हम सब चैट पे लिख सकते हैं क्वेश्चन जरूर कॉपी करना बच्चों केयरफुली ये माइनस टू है माइनस टू करेक्ट है करेक्ट जो बच्चे आंसर दे रहे हैं
चलो हो गया आई थिंक सबका. क्या आंसर है बच्चों? M is 342 and N is 9. Right, everyone? Yes, sir. Yes. करने की जरूरत है but still let me know. Anybody? Last time? Good. चलो ये ऊपर वाला क्वेश्चन करो. मिनिमम वेरिएबल से डील करो, इजीली क्वेश्चन होगा. कम ऑन. Done, sir. हाँ भाई आंसर आया. यस सर. चलो किस किस का आया देखते हैं. वन मिनट करेक्ट. दिव्यांश करेक्ट. गोपाल करेक्ट. ध्रुविल करेक्ट. खुशी करेक्ट. अजय शत्रु करेक्ट. सिद्धार्थ करेक्ट. विवान रॉन्ग. प्रणय करेक्ट. खुशी करेक्ट. निशित थोड़ी मिस्टेक. आर्यमन करेक्ट. कम ऑन एवरीवन. नचिकेत करेक्ट. चलो देख लो भाई. G1 G2 अब प्लीज हियर. बी और सी के बीच में G1 G2 ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब ये जीपी है. सो बी और आर का यूज कर लें. इसको बी बोलते हैं, इसको बी आर. ये बी आर स्क्वायर हो गया. सी बी आर क्यूब हो गया. यहां तक ओके एवरीवन? यस सर. यस सर. Arithmetic mean of B and C is A. मतलब B plus C by 2 is A. This implies B plus BR cube by 2 is A. This implies B common. 1 plus R cube by 2 is A. तो अब सब कुछ B और R के terms में आ गया है. तो better है ना? Yes sir. Yes sir. अब यहीं पे कर लेते हैं. So G1 cube plus G2 cube. G1 की value क्या है everyone? बोलना. BR. So BR. तो B cube R cube हो गया. G2 की value?
बी आर स्क्वायर हो गया, ए की वैल्यू बी इंटू वन प्लस आर क्यूब बाई टू, बी की वैल्यू बी, और सी की वैल्यू कितनी है बी आर क्यूब. सो लेफ्ट साइड में कॉमन क्या आ गया, बी क्यूब आर क्यूब कॉमन, वन प्लस आर क्यूब, आई थिंक ये लिखा है देखो सही है. सो बी 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 यहाँ पे भी बी क्यूब आर क्यूब वन प्लस आर क्यूब बाई टू, ये पूरे ही कैंसिल हो गया आई होप, देख रहे हो लैम्डा इज टू. मतलब एम जी एम के ऐसे क्वेश्चन तो लल्लू ही है ना एवरीवन. यस सर. यस सर. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. सर नचिकेत बोल. तो मैंने इसमें आर की वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट किया तो वो मेथड चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बट दैट इज अ वेरी वेरी बैड मेथड. 1/3 2/3 हर जगह आते रहेंगे बेकार. नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब था ना तो वो क्यूब से पावर 3 मतलब कैंसिल हो सकता है. अरे बोल रहा हूँ ना यार, कहीं कहीं जहाँ भी आर की वैल्यू डाल रहा है तो सी बाई बी की पावर 1/3 1/3 टाइप के टर्म्स में क्यों रखूंगा, गलत नहीं है बट कितने बेकार है लिखने में टाइम वेस्ट है. हां सर नॉट गुड मेथड. बस आगे बढ़े हैं एवरीवन. यस सर. सर एक और क्वेश्चन करो जल्दी से. So, वो रेशियो ऑफ 70 है ना. रेशियो ऑफ क्या बोला? So, वो रेशियो ऑफ 7th है ना. यस यस रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th मीन इज 5:9. Thank you.
Yes, sir, done. हो गया यस सर यस सर 30 seconds लास्ट 5 seconds बहुत टाइम हो गया 14 आंसर जिनका भी है सबका सही है देखो इधर बिटवीन 1 एंड 31 एम एरिथमेटिक मींस आर इंसर्टेड तो 1 a1 am और 31 इसकी बात कर रहा है करेक्ट एवरीवन यस सर यस सर पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं सोच के बोलना 31 कौन सा टर्म है m + 1 है या m + 2 है m + 2 है तो 31 विल बी 1 + m + 1 * d सो 30 यस सर is equals to m plus 1 into d. अब जैसे भी इसको use करेंगे देखेंगे आगे. Now, ratio of 7th upon m minus 1th is 5/9 दे रखा है. A 7 क्या formula होगा? 1 plus 7d या 1 plus 6d? 1 plus 7d. 7d. इसका हो जाएगा 1 plus m minus 1 plus 7d. 9 बच्चों. Cross multiply कर दिया 9 plus 63d. is 5 plus 5d into m minus 1 correct na everyone yes sir yes ab d ki value dal do solve kar lo sahi hai but main thoda faster kar raha hu matlab d ki value dalunga to thodi gandi calculation hai to yahan pe agar mujhe dikh raha hai 5 md minus 5d md ki value dal sakta hu md is 30 minus d come on yes sir yes chalega na ha sir 5 plus 150 minus 5d minus 5d कितना हो गया 73d is equals to 150 minus 4 146 d is equals to 2 d equal to 2 first में डाल दिया so m plus 1 is equals to 15 m is equals to 40 clear yes sir yes sir, yes, sir. जल्दी से कॉपी करो एक चीज और बतानी है आज Okay, I'm moving on. Ho gaya, I hope so. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just take heading likho. Relation between AM, GM, HM for two numbers. Ready, all of you? Yes, sir. स्टॉप राइटिंग और यहाँ पे देखो फॉर टू नंबर्स की बात करें तीन नंबर्स की बात भी नहीं कर रहे हैं तो दो नंबर्स के लिए एरिथमेटिक मीन क्या होता है a plus b by 2 जियोमेट्रिक मीन होता है रूट ab एरिथमेटिक मीन होता है 2ab upon a plus b तो अगर ध्यान से देखोगे तो मैं am और hm को अगर मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज a plus b by 2 into 2ab upon a plus b So a plus b cancel, 2, 2 cancel. क्या आ गया कि am into hm is equal to ab आ गया और ab कौन होता है एवरीवन So therefore ये relation याद रखना है कि geometric mean का square is equal to arithmetic mean into harmonic mean but only for again two numbers के लिए ही two numbers copy करो
तो आगे बढ़े yes, 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 okay. तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन में अगर हमें जीएम दे रखा है और एचएम दे रखा है तो एएम निकल जाएगा ना एवरीवन yes, yes, sir. क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बुकलेट में कि दो नंबर्स के लिए तुम्हें जीएम दे देंगे और एएम दे देंगे और बोलेंगे उनसे नंबर्स निकालो, तो बिल्कुल निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन अगर दे रखा है तो दैट इज ए प्लस बी बाय टू. अगर अरिथमेटिक मीन दे, सॉरी माय मिस्टेक, रूट ए बी. अरे चुप रहे यार, हाँ एक मिनट में सही कर रहा हूँ, एक मिनट में जल्दबाजी करते हो यार. अरिथमेटिक मीन दे रखा है मतलब ए प्लस बी बाय टू दे रखा है. ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है मतलब रूट ए बी दे रखा है. तो कहना है दो इक्वेशन दो वेरिएबल दे रखी है ना एक तरीके से एवरीवन. जैसे कि ये मान लो क्या दे रखा है, थ्री दे रखा है अरिथमेटिक मीन यहाँ तक ओके. यस सर. और ज्योमेट्रिक मीन लेट से रूट एट दे रखा है. तो अब बताओ दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स हो गई ना, ए प्लस बी सिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू एट, दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा ना एवरीवन. यस सर. टू और फोर. हाँ टू एंड फोर बिल्कुल सही. बट हर बार ऐसा करूंगा, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये जी एम है, सॉरी वाइपर्स अगेन मिस्टेक, ये ए एम है और ये जी एम है. और ए प्लस बी कितना हो गया, ट्वाइस अरिथमेटिक मीन. ए बी कितना हो गया, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर. करेक्ट एवरीवन. यस यस. अब मैं क्या लिख रहा हूँ सोचना, और कौन सबको समझ में आता है नहीं आता है देखते हैं. क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एम इंटू एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इसके रूट्स ए और बी है. देखें किसको समझ में आता है, जल्दी सोचो. यस सर. कम ऑन. यस सर. यस सर. याद है ओल्ड इज, याद है ओल्ड इज गोल्ड एवरीवन. यस सर. प्लस बी इक्वल टू जीरो. एस क्या होता था उसमें एवरीवन, सर? सम ऑफ रूट्स. अभी रूट्स किसको माना मैंने, ए और बी को माना एवरीवन. एंड बी. यस सर. रूट्स यही हो गया ना एवरीवन, डायरेक्टली क्या लिखोगे एवरीवन, क्वाड्रेटिक माइनस सिक्स एक्स प्लस हो गया एवरीवन. So yes, yes, के रूट्स आए 2 एंड 4, तो यही दो नंबर्स हैं यार भी. इज दैट क्लियर? यस यस सर. है ना काम का? बहुत yes, हां सर. चलो कॉपी करो सेकंड पॉइंट की जल्दी से. So, दोनों पॉइंट्स ही किसके लिए, सिर्फ दो नंबर्स के लिए. करेक्ट एवरीवन? यस. जीएम स्क्वायर इज एएम इनटू एचएम. और दो नंबर्स का अगर जीएम एएम पता है तो नंबर्स पता है, क्योंकि हमें ये क्वाड्रेटिक पता है. करेक्ट? यस यस. कोई डाउट यहां तक? नो सर. नो सर. कैन आई टर्न द पेज देन? यस सर. ओके. अब देख लो तीन चार क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. सबसे पहले तो नोट्स रिवाइज करोगे, ये वाला क्वेश्चन करोगे, फिर ये वाला और फिर ये वाला. तीन अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों ट्राई करके आना है. सुना सबने? यस सर.
Okay, now you can go. Bye, sir. Thank you, sir. 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 Bye-bye. Bye, sir. Thank you. Thank you. Sir, are you?